हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप फोटो बनाने का काम करते हैं या बैनर बनाने का काम करते हैं तो आपको तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। एक तो फोटो की बैकग्राउंड को बदलना, आपने कहीं फोटो खींचा तो बैकग्राउंड में आप दूसरा कलर देना चाहते हैं। दूसरा है दोस्तों, अगर आपकी फोटो में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, कोई दूसरा पर्सन है, अगर आप अपने फोटो से उसे हटाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आसानी से हटा सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, अगर आपने कोई फोटो क्लिक किया है और फोटो आपका ब्लर हो गया है, हिल गया है, तो उस फोटो को दोस्तों दोबारा से कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये तीनों काम दोस्तों आप एक वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, यदि आपका फोटो ब्लर है तो उसे सही कर सकते हैं, यदि दोस्तों आपके फोटो में कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको pickwish.com की वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तीन मेन हाईलाइट यहाँ पर दिखाई गई है, बैकग्राउंड रिमूव, ब्लर इमेज और रिमूव ऑब्जेक्ट। मैं तीनों को आपको यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं किसी भी फोटो की बैकग्राउंड रिमूव। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी तरह की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आपने फोटो कहीं भी लिया हो, बैकग्राउंड पीछे की सेम हो या ना हो, आप आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। एक फोटो की मैं बैकग्राउंड आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पहले किस तरीके से, तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर पीछे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी फोटो की आप बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज अपलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी और आपका इमेज यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे फोटो में पहले किस तरीके की बैकग्राउंड थी, यहाँ पर ओरिजिनल, और जो बैकग्राउंड रिमूव करके हमारा फोटो इस तरीके से आ चुका है। अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इसमें पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी कलर दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वेबसाइट में आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन के लिए आ चुका है, तो यहाँ पर हम अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड में कोई भी कलर देने के लिए यहाँ पर हमें जाना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी इमेज होगा वो यहाँ पर आप पीछे दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने पीछे एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज देने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पर ये सेव हो जाएगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन के, यहाँ पर बैक आ जाता हूँ मैं। बैक आने के बाद देखते हैं हम दोस्तों दूसरे वाले फीचर को, अनब्लर इमेज, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इमेज है बहुत क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले कुछ इमेज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया था और उसके बाद यहाँ पर इमेज आपका सेम इस तरीके से हो जाएगा, यानी इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपसे फोटो क्लिक करते वक्त फोटो हिल गया है या फोटो धुंधला गया है तो उसकी इमेज की क्वालिटी को बहुत अच्छा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप एक इमेज अपलोड कर लेंगे। मैंने दोस्तों इमेज को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आ चुका। आप देखते हैं इमेज की क्वालिटी हमारी कितनी अच्छी हुई है। मैं यहाँ पर इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फुल जूम कर लेता हूँ और फिर हम इसकी क्वालिटी देखेंगे कुछ फर्क हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो जो पहला हमारा इमेज था वो इस साइड का हमारा ओरिजिनल है और इस साइड का दोस्तों हमारा जो इमेज है उसकी क्वालिटी सही हुई है। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो पहला इमेज था हमारा ओरिजिनल इमेज इस तरीके से है और जो हमारी क्वालिटी ठीक हुई है, जो हमारे अनबिलर इमेज हुआ वो यहाँ पर इस तरीके से हमारा आ चुका है। यहाँ पर जो इमेज अनबिलर होके आया, यानी जो इमेज क्वालिटी हमारी ऐसी बन चुकी है और पहले दोस्तों हमारी ओरिजिनल ऐसी थी और यहाँ पर क्वालिटी अब ऐसी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी हमारी अच्छी हो चुकी है। पहले दोस्तों हमारा फेस कितना ब्लर था, कितना बेकार था, लेकिन कितना यहाँ पर अच्छी क्वालिटी हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों अनब्लर करके आप अपने इमेज की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। अब इसे डाउनलोड करने के लिए सेम इसी तरीके से यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे फीचर की, कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को हम अपने फोटो से कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम रिमूव ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल चुका है और यहाँ पर इसका एक एग्जांपल भी दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पर हमारा पहला पिक्चर था यहाँ पर एक अपलोड की है। उसके बाद दोस्तों हम इसे हाईलाइट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं और उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा फोटो इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोटो अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों हमने फोटो अपलोड कर दिया और फोटो अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हाईलाइटर यहाँ पर आ चुका है, जिसका साइज दोस्तों हम कम या ज्यादा भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगर मैं इस पर्सन को यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ तो उसे यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मुझे इसे इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। जिस भी पर्सन को हम रिमूव करना चाहते हैं मैंने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप इरेज पे क्लिक करेंगे
इरेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं एक सेकंड पहले यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा था और हमने यहाँ पर उसे ब्रश से सिलेक्ट किया, उसके बाद इरेज किया, तो यहाँ पर हमारा पर्सन यहाँ से हट चुका है। अगर मैं यहाँ पर अंडो करूंगा, यानी अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ पर अंडो करके दोबारा से फोटो को उसके सेम पा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेम पर्सन यहाँ पर आ चुका है, और दोबारा से रीडो करूंगा तो यहाँ पर हमारा पर्सन हट चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से अपने फोटो से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वेबसाइट के द्वारा बिल्कुल फ्री में किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर को हटा सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप pickwiz.com एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से उसे भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।